सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया वो एक सीरम है और क्रीम फॉर्म में और जेल फॉर्म में, जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए यूज होने वाले ये टॉप 7 सीरम और क्रीम और जेल है हमारे पास, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और अदर फिजिशियन रिकमेंडेड करते हैं जिनको फेयर होने का है, जिनको अपनी स्किन लाइट करने का, जिनके स्किन के ऊपर मिलाजमा है या डार्क सभी स्किन टोन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये सब जेल वगैरह है। तो इस वीडियो में मैं एक एक जेल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और ये सब जेल कब लगाया जाता है। तो ये सब जेल जो कि फेस के ऊपर लगाया जाता है, जब आपकी फेस एकदम प्रॉपर नहीं रहता है, ग्लो नहीं आता है और आपको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर करके अपनी स्किन को खराब कर चुके हो, तो उन केस में भी ये बेनिफिशियल देगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब जेल के बारे में बारीकी से बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या किसी अदर फिजिशियन में इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड किया है तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जो मैं लेके आया है वो टॉप 7 स्किन लाइटनिंग जेल सीरम, और पहला जेल जो कि हम बात करेंगे कोजी ग्लो फोर्ट क्रीम के बारे में। ये एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई जाती है स्किन लाइटनिंग क्रीम है और 20 ग्राम का रहता है और इसका MRP 640 रुपीज रहता है। तो ये जेल जो कि आपको क्या बेनिफिट देगा कि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिन एंड कोजिक एसिड एंड पिंक बेरी एक्सट्रैक्ट वगैरह डाला गया है, जो कि आपकी स्किन को लाइट करती है और आपके जो रिंकल्स वगैरह रहते हैं तो वो भी कम करती है और स्किन को स्मूथ लगती है और आपकी स्किन के ऊपर जो मिलाजमा या डार्क सर्कल या पिंपल्स का दाग है तो उसको रिमूव करती है। तो ये क्रीम जो कि बहुत यूजफुल है, इस क्रीम का ऑलरेडी मेरे चैनल पे इंडिविजुअली रिव्यू किया हो गया है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। तो इस क्रीम के बारे में दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि मिला ग्लो रिच क्रीम, जो कि बनाई गई है अबॉट फार्मास्यूटिकल के द्वारा। डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और अदर प्रैक्टिशनर इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं। छोटा सा ट्यूब रहता है 20 ग्राम का और इसका MRP 415 रुपीज रहता है। ये जो कि स्किन के स्पॉट रहते तो उसको रिमूव करता है, डीप पिगमेंटेशन रहता है जो कि UVB रेंज से होता है तो उससे रिलीफ देता है, स्किन के सेल डैमेज होता है तो उससे रिलीफ देता है और आपको यंगर, ब्राइटनिंग और स्मूथिंग स्किन रखता है। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट की बात करें तो आर्बिट्यून डाला गया है, कोजिक एसिड इसके अंदर डाला गया है, ग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर डाला गया है, पेट्रोवाइट इसके अंदर डाला गया और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट डाला गया, जो कि आपकी स्किन को एकदम फेयर करेंगे और वाइट करेंगे और डार्क स्पॉट से वगैरह आपको बेनिफिशियल देंगे, जिसमें आपको ये एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। और नेक्स्ट क्रीम आज हमारे पास है वो एयरपोलाइट क्रीम, जो कि एयरपोल फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, कोजिक एसिड एंड आर्बिट्यून इसके अंदर डाला गया है, जो कि स्किन को लाइट करती है, डार्क सर्कल से रिमूव करती है, यंगर लुक देती है आपको और ब्राइटनिंग लुक देती है और आपका जो मिलाजमा है तो वो मिलाजमा वगैरह निकल जाता है, तो वो सब कार्य में यूज की जाती है। नेक्स्ट जेल जो हमारे पास है वो बेनेरिया एक्सपेक्ट स्किन ब्राइटनिंग जेल है, जो कि एक स्टैंडर्ड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। इसका MRP की बात करें तो 991 रुपीज़ इसका MRP रहता है, जो कि आपको स्किन के जो टेक्सचर रहता है, जो रिंकल्स रहता है उसके हेल्प करता है, स्किन को लाइट करता है, स्किन को ब्राइटनिंग करता है और रिजुवेनेटिंग करता है आपकी स्किन को। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल कंटेंट डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड डाला गया है, डाइमिथिकोन प्लस फॉर्मियल सी बेटर और इथाइल एस्टर और प्रोपिलीन ग्लाइकोल वगैरह इसके अंदर डाला गया है, जो कि आपके इसकी स्किन के ऊपर रिंकल्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल हो रहा है, डीप पिगमेंटेशन हो रहा है या मिलाजमा हो रहा है तो उससे रिमूव किया जाता है।
उसको डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड किया गया, नॉन कॉमेडोजेनिक है, पैराबिन फ्री है और इसके अंदर कोई फ्रेगनेंस वगैरह नहीं डाला गया, जो कि बहुत सेफ है, आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करने का है कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो अपने फेस को वॉश कर दें, उसके बाद इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक जेल बेस में है जो कि सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं जब भी आपके स्किन के ऊपर कोई दाग वगैरह रहता है। तो नेक्स्ट ट्यूब हमारे पास है जो कि ईगा क्रीम है, जो कि बनाई गई है क्रिशियो हेल्थ केयर के द्वारा, जो कि इसका MRP की बात करें तो छोटा सा ट्यूब रहता है 30 ग्राम का और इसका MRP 1400 रुपीज़ है, मतलब 1400 इसका MRP रहता है। और ये क्रीम जो कि बहुत यूज रहती है, इसके अंदर जो रेटिनॉइड्स एंड विटामिन के इसके अंदर डाला गया है जो कि फाइन लाइन से रिमूव करती है, रिंकल्स को रिमूव करती है, एज का स्पॉट रहता था उसको कम करती है और रफनेस वगैरह आपकी स्किन पे होते हैं तो उसको कम करती है। तो रेटिनॉइड्स इसके अंदर डाला गया है जो कि सेल को टर्न ओवर करता है और कोलेजन सिस्टम को बना के, विटामिन के इसके अंदर डाला गया है जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और आपको ग्रेट लुक देता है। तो ये जो आपके फेस पे जो डार्क सर्कल रहता है, डार्क स्पॉट रहता है, उसको कम करता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को और रिंकल को कम करती है और एजिंग को कम करती है। और ये सूटेबल है सभी स्किन के लिए जो कि क्रिशियो हेल्थ केयर के द्वारा बनाई जाती है, जो कि स्टैंडर्ड कंपनी है और डर्मेटोलॉजिस्ट इसका बहुत सारा प्रोडक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो विटिक्स जेल करके है, विटिक्स स्किन केयर जेल, जिसको बनाया गया वॉकर्स हेल्थ केयर के द्वारा बनाया गया 50 ml का ये जेल रहता है, जिसका MRP 1919 रहता है, मतलब 1919 रुपये रहता है। और ये जेल जो कि बहुत यूजफुल है, जो कि रीपिगमेंटेशन में हेल्प करता है जो एपिडर्मिस के ऊपर होती है, और इस जेल को टॉपिकली लगाया जाता है और माइक्रोस्पोर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो विटिक जेल जो कि बनाया गया है जो कि रीस्टेबलाइज करने के लिए आपकी स्किन के ऊपर और जो फ्री रेडिकल से आपके एपिडर्मिस सेल्स के अंदर जो डैमेजेस हुआ तो उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया। विटिक जेल जो कि नॉन ग्रेसी है और स्लाइटली ग्रेनुलर्स इसके अंदर अपीयर्स रहते हैं तथा माइक्रोस्पोर फॉर्मूला से इसको बनाया गया है, जो कि क्या करती है कि आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क सर्कल है, जो आपकी एजिंग वगैरह ज़्यादा दिख रही है तो वो कम करती है। तो ये सब जेल यूजफुल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि VCX करके जेल है, जो कि सिप्ला फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। ये एक जेल नहीं है, एक सीरम है, जो कि 10 ml का एक सीरम रहता है, जिसका MRP 2406 रुपीज़ रहता है। तो ये सब जेल कॉस्टली है पर हाई क्लास डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड करते हैं। तो VCX सीरम के अंदर कंटेंट की बात करें तो विटामिन सी डाला गया है, विटामिन ई डाला गया और फेरोरिक एसिड डाला गया है। ये तीनों कंटेंट से इसको बनाया गया और VCX सीरम जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी स्किन को UV रेस आती है आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है, जिससे स्किन डैमेज हो जाती है और आपके स्किन के ऊपर डार्क डार्क सर्कल वगैरह ब्लैक सर्कल हो जाते हैं। तो VCX सीरम के अंदर विटामिन सी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको आपके स्किन के ऊपर डार्क सर्कल वगैरह होता है, तो ये फ्री रेडिकल से हेल्प करती है और आपके स्किन के ऊपर जो डार्क सर्कल वगैरह होता है तो उससे हेल्प करती है। विटामिन ई इसके अंदर डाला गया, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपकी स्किन को हेल्प करती है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। और फेरोलिक एसिड इसके अंदर डाला गया, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से और जो मेजर कॉज होता है एजिंग का, उससे। VCX सीरम जो कि यूज होता है आपकी डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करने के लिए, साइन ऑफ स्किन एजिंग के लिए, मिलाजमा के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और एक्ने स्कार के लिए इसको यूज किया जाता है। जेल क्रीम और सीरम जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए यूज की जाती है और चेहरे पे यूज की जाती है, तो इसको सब जेल को डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह सब रिकमेंडेड करते हैं। तो इन सब जेल का मैं रिव्यू ऑलरेडी इंडिविजुअल किया है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो। और ये सब जेल जो कि इफेक्टिवली भी है और कॉस्टली भी है, तो अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी अदर फिजिशियन ने आपको रिकमेंडेड किया तभी आप इसे परचेज करें, खुद से ये परचेज ना करें, अदरवाइज कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये पावरफुल स्किन लाइटनिंग क्रीम जेल और सीरम है। तो इन सब जेल के बारे में जो कि 7 टॉप
स्किन यूजिंग जेल है, जो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।